2023 खत्म हो रहा है, साल 2024 का आगाज होने जा रहा है और नई उमंग और नई तरंग के साथ दस्तक हो रही है। ये साल फिल्म इंडस्ट्री के लिए कमबैक ईयर रहा। जी हाँ, 2023 की हम बात करें तो 2023 में हमें ऐसी ऐसी हिट्स देखने के लिए मिली है कि ऐसा शायद ही हमने सोचा होगा कि शाहरुख खान भी इतना हैंडसम लग सकते हैं। शाहरुख खान की फिल्म भी वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ से ज्यादा कमा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ साल 2023 में। साल 2022 की हम बात करें तो साल 2022 में बड़े नामों वाली बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई थी, लेकिन साल 2023 बड़े पर्दे पर शाहरुख खान, सनी देओल जैसे बड़े सितारों की वापसी का गवाह बना। कई फिल्मों के सीक्वल बने तो कुछ मिड बजट फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं। ऑस्कर में एसएस राजमौली की फिल्म आरआर ने अपना परचम लहरा दिया। फिल्म के गाने नाटू नाटू ने ऑस्कर जीता और साल 2023 की शुरुआत शाहरुख खान की फिल्म पठान से हुई। फिल्म के जरिए शाहरुख खान ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार कमबैक किया। पठान ने भारत में 543 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। साल 2023 के पहले 6 महीने में पठान के अलावा द केरला स्टोरी दूसरी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। द केरला स्टोरी ने 242 करोड़ का कलेक्शन किया। इस दौरान मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष ने बेहद निराश किया। भारी भरकम बजट में फिल्म बनी थी 600 करोड़ में और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। जून में रिलीज हुई मिड बजट फिल्म जरा हटके जरा बचके और सत्य प्रेम की कहानी ने 88 करोड़ रुपए और 87 करोड़ रुपए की कमाई की। जुलाई, अगस्त और सितंबर बॉलीवुड के लिए सबसे खास रहा। इन 3 महीनों में बॉलीवुड को एक नहीं दो 500 करोड़ फिल्में मिली हैं। साथ ही करण जौहर, अक्षय कुमार के करियर को सहारा मिला। जुलाई में रिलीज हुई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने 153 करोड़ का कलेक्शन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई ओएमजी 2 ने 150 करोड़ का कलेक्शन कर दिखाया। वहीं साल 2023 देओल परिवार के लिए धमाकेदार रहा और बेहद खास रहा। जहां एक तरफ धर्मेंद्र फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी में नजर आए तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई गदर 2 सनी देओल की शानदार वापसी का जरिया बन गई। गदर ने तो वाकई गदर मचा दिया। गदर 2 ने भारत में 525 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सितंबर में शाहरुख खान की इस साल की दूसरी फिल्म आ गई जवान। एटली द्वारा निर्देशित फिल्म ने कमाई के मामले में पठान को भी पछाड़ दिया और करीब 1100 करोड़ रुपए की कमाई कर दी। भारत में जवान ने 600 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई, लेकिन इसके बावजूद भी दिवाली कहीं ना कहीं फीकी रही। साल 2023 में सलमान खान बिल्कुल भी नहीं चले। सलमान खान की इकलौती फिल्म टाइगर 3 दिवाली के मौके पर रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन क्रिकेट विश्व कप 2023 ने फिल्म की कमाई को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। टाइगर 3 ने 285 करोड़ रुपए का ही महज कलेक्शन किया, लेकिन साल के आखिरी महीने में रिलीज हुई संदीप रेड्डी वंगा निर्देशित फिल्म एनिमल हिंसा को दिखाने के विवादों में रही, लेकिन बावजूद इसके रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म ने 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। भारत में फिल्म ने 537 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं अगर साल 2023 के कम बजटों की फिल्मों की हम बात करें तो इन फिल्मों ने भी कामयाबी हासिल की है। विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित बारहवीं फिल्म ड्रीम गर्ल 2 और फुकरे 3 भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। साल के आखिरी महीने में खान की जंग की फिल्म आई, जिसने मिली जुली समीक्षाओं के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है और दुनिया भर में 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। वहीं प्रभास की फिल्म सालार ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और ये कलेक्शन अभी भी जारी है। उम्मीद है कि साल 2023 जिस तरह से बॉलीवुड के लिए अच्छा रहा, 2024 और ज्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआत में ही बहुत सारी मूवीज रिलीज होने जा रही है और आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। जाते जाते साल को करिए टाटा, बाय बाय।